हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सीएस इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के आरडीएमएस के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे रिलेशनल एलजेब्रा। रिलेशनल एलजेब्रा में जैसे आपके एसक्यूएल में क्वेरी चलती हैं आपकी सेलेक्ट की, अपडेट की, डिलीट की, वैसे ही आपके रिलेशनल एलजेब्रा में भी आप डायरेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। रिलेशनल एलजेब्रा इज अ प्रोसीजर क्वेरी लैंग्वेज। ये एक आपकी प्रोसीजर लैंग्वेज क्वेरी होती है। प्रोसीजर के फॉर्म में आपका जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म होता है। इट गिव जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के आपके प्रोसीजर देखेंगे, जैसे आपका ये सेलेक्ट का है, इसके अलावा आपका प्रोजेक्शन ऑपरेशन है, यूनियन ऑपरेशन है, सेट ऑपरेशन है, इसके अलावा आपका सेट डिफरेंस है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, रिनेम ऑपरेशन है। तो ये सारे ऑपरेशन हम लोग इसमें परफॉर्म करेंगे। तो देखते हैं वन बाय वन। सो इट गिव्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू ऑब्टेन द रिजल्ट ऑफ अ क्वेरी। किसी भी क्वेरी का स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन, उसका रिजल्ट जो परफॉर्म होता है वो आपका रिलेशनल एलजेब्रा के थ्रू आप मेंटेन करते हैं। सो रिलेशनल एलजेब्रा मेंटेन प्रोवाइड्स थ्योरेटिकल फाउंडेशन फॉर द रिलेशनल डेटाबेस एंड एसक्यूएल। मीन्स एसक्यूएल का एक थ्योरेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेशन जो डिफाइन करता है वो आपका रिलेशनल एलजेब्रा डिफाइन करता है। इज यूजेस ऑपरेटर्स टू परफॉर्म क्वेरी। किसी भी क्वेरी को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट ऑपरेटर्स में यूज होते हैं। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स या ऑपरेशन आपके कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला सेलेक्ट ऑपरेशन होता है। जैसे आप एसक्यूएल में सेलेक्ट ऑपरेशन यूज, सेलेक्ट के लिए सेलेक्ट क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम, वैसे यहाँ पर आपके सेलेक्ट के लिए आपके पास रो ऑपरेशन, सिग्मा ऑपरेशन होता है। इसके अलावा आपके पास डिफरेंट ऑपरेशन और भी हैं इसमें। इसमें आते हैं आपके प्रोजेक्शन ऑपरेशन, यूनियन ऑपरेशन, सेट इन इंटरसेक्शन, सेट डिफरेंस है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, रिनेम ऑपरेशन है। तो ये डिफरेंट ऑपरेशन हम लोग देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले आता है आपका सेलेक्ट ऑपरेशन। सेलेक्ट का मीनिंग क्या होता है? रो को आपको सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप सेलेक्ट ऑपरेशन यहाँ पर यूज करते हैं। और इसके लिए जो आपका सिंबल यूज होता है वो होता है सिग्मा। सो सेलेक्ट ऑपरेशन इज यूज टू सेलेक्ट अ सबसेट ऑफ अ टपल फ्रॉम अ रिलेशन दैट सेटिस्फाई अ सेलेक्ट कंडीशन। जो भी सेलेक्ट की कंडीशन को डिफाइन होगा उससे आप रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। सिग्मा से इसको डिनोट करते हैं। सेलेक्ट ऑपरेटर इज अ यूनिवर्सली सच दैट इट इज अप्लाई टू अ सिंगल रिलेशन। एक सिंगल रिलेशन में आप इसको अप्लाई करते हैं। जैसे आपने देखिए यहाँ पर लिखा है जनरल फॉर्म ऑफ सेलेक्ट ऑपरेशन इज, आपने सिग्मा लिखा, देन यहाँ पर सेलेक्ट कंडीशन, देन आपका रिलेशन। वेयर सिग्मा इज यूज टू सेलेक्ट प्रिडिक्शन एंड आर इज द यूज फॉर रिलेशन। आर जो होता है इसमें रिलेशन होता है। इसमें आप रिलेशन के जो ऑपरेशन सेलेक्ट कंडीशन है उसमें आप इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारी कंडीशन आप लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे यहाँ पर। स्टूडेंट एक टेबल है। स्टूडेंट टेबल के अंदर नेम, रोल नंबर एंड एड्रेस है। अब मुझे इन्फॉर्मेशन इसमें गिव ऑल इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट हैविंग रोल नंबर इज 4। जिसके रोल नंबर 4 है उसकी कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप इसे डिफाइन करेंगे सेलेक्ट ऑपरेशन से। तो सबसे पहले सिग्मा आपने लिखा, रोल नंबर इक्वल टू 4, किस रिलेशन से आप निकालना है, यहाँ पर रिलेशन का नेम होगा स्टूडेंट। तो जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे इसको तो 4th रोल नंबर के सारा डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फाइंड ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट हैविंग नेम इज अरुण एंड एड्रेस इज दिल्ली। अब यहाँ पर आपका नेम अरुण है और एड्रेस उसका दिल्ली है, तो उसको ऐसे लिखेंगे। देखिए सिग्मा आपने लिखा, देन नेम अरुण एंड एड्रेस इक्वल टू दिल्ली, देन स्टूडेंट रिलेशन। और इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ये आपका यूनियन प्रोसेस होता है। नेम इक्वल टू अरुण एंड यहाँ पर लिखा आपने एड्रेस इक्वल टू दिल्ली, और किस में से निकालना है, स्टूडेंट से। तो यानी रो को आपको सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट ऑपरेशन आप यूज करेंगे। दूसरा आता है आपका प्रोजेक्ट ऑपरेशन। प्रोजेक्ट ऑपरेशन एक कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए, एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट आपको सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप प्रोजेक्ट ऑपरेशन यूज करेंगे। तो प्रोजेक्ट ऑपरेशन सेलेक्ट सर्टेन कॉलम फ्रॉम अ टेबल एंड डिस्कार्ड दी अदर कॉलम। जो अदर कॉलम होंगे उनको डिस्कार्ड कर देगा। दिस ऑपरेशन शो दी लिस्ट ऑफ दोज एट्रीब्यूट वी कैन विश टू अपीयर इन द रिजल्ट। रिजल्ट में आपको जो जो एट्रीब्यूट चाहिए उनकी वैल्यू को आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो इसे कैसे डिफाइन करते हैं, पाई के थ्रू। पाई एट्रीब्यूट लिस्ट आ जाएगी आपकी और इसके बाद यहाँ पर रिलेशन हो जाएगा। तो पाई इज अ सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट द प्रोजेक्ट ऑपरेशन एंड एट्रीब्यूट लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट फ्रॉम द एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन आर। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। ये स्टूडेंट टेबल है, वही टेबल है आपकी। इसमें फाइंड स्टूडेंट नेम इन अ स्टूडेंट टेबल। अब आपको सारे स्टूडेंट का केवल नेम एक्सेस करना है, तो आप क्या लिखेंगे, पाई, यहाँ पर नेम आ जाएगा, देन आपका रिलेशन आ जाएगा स्टूडेंट। इस टाइप से आपके नेम की डिटेल आपको मिल जाएगी। ऐसे ही आपको नेम एंड एड्रेस लेना है, तो नेम एड्रेस आपने लिखा, रिलेशन लिख दिया स्टूडेंट। तो जैसे आप वहां करते थे सेलेक्ट नेम एड्रेस फ्रॉम टेबल का नेम स्टूडेंट आपने किया, वही चीज आप यहां पर पाई के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद आता है यूनियन। यूनियन एक आप बाइनरी में, जैसे आप बाइनरी यूनियन करते हैं कि यूनियन में आपका जो दोनों में
कॉमन होगा वो भी आएगा, और दोनों में जो बच जाएगा वो भी आपका इसमें रिटर्न करता है, वही आपका यहाँ पर होता है. व्हेन आर एस आइदर अ डेटाबेस रिलेशन और रिलेशन सेट इज अ टर्नरी टेम्पररी रिलेशन, एक टेम्पररी रिलेशन में डिफाइन करता है. यूनियन ऑपरेशन टू बी वैलिड दी फॉलोइंग कंडीशन, अब इसमें डिफरेंट कंडीशन होती है. आर एस मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट, दोनों में सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट होने चाहिए. एट्रीब्यूट डोमेन मस्ट बी कंपेटेबल, इजिली आपके एक्सेस होने चाहिए. डुप्लीकेट टपल आर ऑटोमेटिकली एलिमिनेट, जो भी डुप्लीकेट टपल होंगे वो आपके एलिमिनेट हो जाएंगे एक एक बार आपका एक्सेस होगा. तो जैसे यहाँ पर देखिए, अब पाई नेम आपको एक्सेस करना है स्टूडेंट वन से, एंड नेम आपको एक्सेस करना है स्टूडेंट टू से. तो इसमें स्टूडेंट वन दो टेबल हैं, दोनों टेबल को आपको कंबाइन करके आपने यूनियन में एक्सेस कर लिया. तो यहाँ पर दोनों टेबल में से नेम का डेटा आपका एक्सेस हो जाएगा. अगर दोनों टेबल में कुछ डेटा मैच कर रहा हो नेम, तो वो एक्सेस नहीं होगा, वो एक ही बार आपका आएगा. तो यूनियन का मीनिंग दोनों में जो आपका कॉमन है. जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, मान लीजिए एक रिलेशन में आपने लिखा है एट्रीब्यूट, हम लोग लेते हैं ए बी सी एंड डी, एंड दूसरा रिलेशन अपना एस है, उसमें आपने लिखा है ए सी एंड ई एफ. तो जब आप आर यूनियन एस करेंगे तो इसमें क्या आएगा आपका ए बी सी डी ई एन एफ, ये आपका इसमें जनरेट हो जाएगा. ए ए दो बार आ रहा है तो वो एक ही बार आपका रिटर्न होगा. ऐसे ही आपका सी सी दो बार आ रहा है वो भी एक बार आएगा, एंड अदर जो बच गए बी डी बी डी एंड ई एफ आपके ये रिटर्न हो जाएंगे. तो इस टाइप से आपका यूनियन परफॉर्म करता है. सेम आपका इंटरसेक्शन है. इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है जो कॉमन होता है दोनों में. इट परफॉर्म बाइनरी इंटरसेक्शन बिटवीन टू गिवन रिलेशन एंड इट्स डिफाइंड एज, देखिए आर इंटरसेक्शन एस, वेयर आर एंड एस आर दी आइदर डेटाबेस रिलेशन और रिलेशन रिजल्ट सेट. इसमें डेटाबेस भी हो सकते हैं, सेट भी हो सकते हैं. जैसे आपने यहाँ पर लिखा पाई नेम ऑफ स्टूडेंट वन एंड इंटरसेक्शन पाई नेम ऑफ स्टूडेंट टू. तो यहाँ पर क्या है, मान लीजिए एक स्टूडेंट टेबल है आपके, स्टूडेंट वन टेबल है, इसमें आपने यहाँ पर एट्रीब्यूट लिखे हैं, नेम एक एट्रीब्यूट है आपका, दूसरा आपका रोल नंबर है. आपने यहाँ पर नेम में लिखा है ए बी एंड सी, रोल नंबर आप कुछ भी लिख दीजिए. ऐसे स्टूडेंट आपका टू है, स्टूडेंट टू है, इसमें आपने फील्ड लिखी है नेम, यहाँ पर आपने लिखा बी सी डी एंड ई, ये लिखा है. अब आप अगर यहाँ पर करते हैं पाई स्टूडेंट वन, सॉरी आप यहाँ पर लिखेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट वन, स्टूडेंट वन, इंटरसेक्शन आपने लिखा पाई नेम ऑफ स्टूडेंट टू, स्टूडेंट टू. तो इस केस में आपका जो रिटर्न करके देगा ये एट्रीब्यूट, एक तो केवल नेम को रिटर्न करेगा, और इसमें दोनों में जो कॉमन है, देखिए कॉमन क्या क्या है, बी एंड सी. तो यहां पर जो रिटर्न करेगा बी एंड सी करेगा. यूनियन में आपके सारे रिटर्न करेगा, बट इसमें आपका केवल जो दोनों में कॉमन होगा वही रिटर्न करेगा. इसके बाद आता है सेट डिफरेंस. सेट डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है, सेट डिफरेंस ऑपरेशन इज अ टपल विच प्रेजेंट इन वन रिलेशन बट ऑन नॉट इन द सेकेंड. आर माइनस एस से इसको डिनोट करते हैं, वेयर जैसे आपने पाई लिखा नेम एंड स्टूडेंट वन माइनस नेम एंड स्टूडेंट टू. देखिए इसी को हम लोग अगर इस एग्जांपल से देखें, आपने यहाँ पर लिखा पाई नेम ऑफ स्टूडेंट वन माइनस पाई नेम ऑफ स्टूडेंट टू, स्टूडेंट टू आपने किया, तो इसका मीनिंग क्या है, दोनों में जो कॉमन है वो तो हट जाएगा, उसके अलावा जो पहली वाली टेबल में बचेगा वो आपका यहाँ पर रिटर्न कर देगा. तो यहाँ पर जो नेम आपका रिटर्न होगा, देखिए एक तो बी एंड सी दोनों में कॉमन है, तो इसमें केवल आपका रिटर्न करेगा ए. तो दोनों टेबल में से माइनस करके जो पहली टेबल में बच जाएगा वो आपका रिटर्न करेगा. नेक्स्ट आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट का मीनिंग होता है कंप्लीट कंबाइन कर देगा और पूरी वैल्यू आपकी फाइंड आउट कर देगा. कंबाइन इन्फॉर्मेशन ऑफ टू डिफरेंट रिलेशन इनटू वन, एक डिफरेंट दोनों डिफरेंट रिलेशन को कंबाइन करके एक सिंगल रिलेशन क्रिएट कर देता है, वो आपका होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट. वेयर आर इज द रिलेशन एंड इसे क्रॉस से आपका डिनोट करते हैं. जैसे यहाँ पर हमने लिखा भी है देयर आउटपुट विल बी डिफाइन एज आर इंटू एस का मीनिंग होता है क्यू एंड टी. क्यू बिलोंग कर रहा है आर से एंड टी बिलोंग कर रहा है एस से. तो जितने भी एलिमेंट है वो सारे मल्टीप्लाई होकर आपके रिटर्न कर देंगे. जैसे आपने यहाँ पर लिखा है सिग्मा नेम इक्वल टू कमल स्टूडेंट इंटू स्टूडेंट टू, जो भी नाम होंगे दोनों नाम में जो भी डेटा होगा वो मल्टीप्लाई होकर आपका रिटर्न कर देगा. नेक्स्ट आता है आपका रिनेम ऑपरेशन. जैसे आपको मान लीजिए कॉलम का नेम रिनेम करना है, टेबल आपको रिनेम करनी है, तो रिनेम ऑपरेशन इज यूज टू रिनेम द आउटपुट ऑफ अ रिलेशन. रिनेम ऑपरेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल ग्रीक लेटर इज रो. रो से ये डिनोट होता है आपका, एंड एक्स ये ई आपका एलिमेंट हो जाएंगे. तो वेयर इज द ई इज एक्सप्रेशन एंड सेव द नेम ऑफ एक्स. क्वेरी टू रिनेम द टेबल स्टूडेंट टू एम्प्लॉय. अब स्टूडेंट को एम्प्लॉय में आपको कन्वर्ट करना है. जो टेबल आपकी इससे पहले थी, एक स्टूडेंट टेबल है, उसे एम्प्लॉय टेबल में कन्वर्ट करना है. इट्स एट्रीब्यूट नेम एड्रेस एंड फोन नंबर. आपको उसके अंदर एड्रेस नेम और फोन नंबर एंटर करने. तो रो
एम्प्लॉय में आपको चेंज करना है, कौन कौन से एट्रीब्यूट है, नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर, किससे चेंज करना है, स्टूडेंट टेबल को। तो जैसे ही आप इसको परफॉर्म करेंगे तो आपका एक एम्प्लॉय टेबल क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर का जो फील्ड है वो एंटर हो जाएंगे। तो इस टाइप से आप इसे रिनेम कर सकते हैं। तो ये पूरा आपका रिलेशनल अलजेब्रा का प्रोसेस था, ये इंपॉर्टेंट रिलेशनल अलजेब्रा के आपके ऑपरेशन है जिसमें आपके ये जो आपके सेवंथ ऑपरेशन है वो इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट।